अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने दोस्तों के हमरा एडी फार्म ज़िला चकवाल विज़िट कर रहे हैं। ये ऑफिस का बाहर का और फिर ये अंदर का व्यू है। ये हिस्सा पोल्ट्री के लिए मुख्तस है और ये ग़ुलाम रसूल भाई हैं, ये हमें ब्रीफ कर रहे हैं कि हम खादें वगैरह आर्टिफिशियल जो हैं वो नहीं डालते, बल्कि ये खुद यहाँ पे ऑर्गेनिक खादें तैयार करते हैं। जानवरों का वेस्ट वगैरह जो है वो पानी इकट्ठा करके वहाँ डाल के तो फिर इन फसलों को देते हैं कि देखें फसलें हरी भरी हैं। सोलर पंप लगाया हुआ है, वही यूरिया उठा के तो फसलों को डाल देते हैं। ये हमारी पूरी टीम है जी, हम सब लोग आए हुए हैं, यार बेली दोस्त सारे साथ हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जातली मंदरा चकवार रोड ज़िला रावलपिंडी का स्टाफ है मेरे साथ, और जो शौक़ रखते हैं और फार्म को विज़िट कर रहे हैं। इस फार्म में रेबड फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग और ओलिव के 6000 पौधे लगे हुए हैं। तो हम जहत ये फार्म है, बहुत सी समतें हैं इसकी, तो बहुत सा दिलचस्पी का समा है, इसलिए हम दोस्तों ने फैसला किया कि इस पर विज़िट करते हैं और देखते हैं। ये अंदर खरगोशों की मुख्तलिफ अकसाम हैं और ब्रीडिंग हो रही है यहाँ पे। तरह तरह की अकसाम खरगोश की पहली दफ़ा देखी। ये देखें हमारे सर खरगोश के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और खरगोश बुरा बना के चला गया। ये जी पौधे लगे हुए हैं, 6000 पौधा ओलिव का लगा हुआ है, और ओलिव इस वक्त पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी ज़मीनें जो बंजर हैं वहाँ पर ओलिव लगा देना चाहिए और इसके अंदर फसलें भी काश्त कर देनी चाहिए, जो और प्लांट टू प्लांट फासला जो है वो कम से कम 20-25 फुट होना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा ये दरख्त बन जाता है। ये डॉक्टर शोएब साहब हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रैबिट फार्मिंग के बारे में और सारे उसके इन आउट सारे बता रहे हैं। बड़ी दिलचस्पी लेके उन्होंने हमें सब कुछ समझाया है और उनकी गुफ्तगू से बड़े मुतासर हुए हैं, बड़ी मालूमती गुफ्तगू थी उनकी। इस फार्म पे जी ओलिव का ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा वर्जन जो है वो प्योर फार्म में मिल जाता है, ओलिव का अचार भी मिल जाता है, देसी घी भी मिल जाता है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं, अंडे भी मिल रहे हैं और दूध भी मिल जाता है। ये नस्ले वालों को डेली 1000 लीटर दूध भी मुहैया करते हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिए एडी फार्म ज़िला चकवाल के गांव बोबड़ में, और ये मंदरा चकवाल रोड से तकरीबन 10-12 किलोमीटर फासला है इसका, यहाँ पे विज़िट कीजिए और फार्मर हज़रात खसूसी विज़िट करें और देखें।